हमारी बच्ची है उससे कोई गलती हो जाती है, परिवार जिंदगी भर के लिए उसको अपने घर से बाहर कर देता है। वो नारी निकेतनों में सड़ती रहती है। अंततो गत्वा हमने देखा कि हृदय से कभी कोई बुरा नहीं होता। हाँ, कुसंग से बुरा हो सकता है, उससे गलती हो सकती है, पर आत्मा से तो सब निर्दोष होते हैं। इतना बड़ा दंड तो भगवान भी नहीं देते, तो क्या होना चाहिए। मेरे मन में एक कल्पना आई थी दद्दा, कि मैं ऐसी बेटियों बहनों को उसके चित्त का, उनके हृदय का ममत्व जगाऊंगी। मैं जगाऊंगी उनके वात्सल्य को और मैं उनको कहूंगी कि तुम निराश्रित नहीं हो, तुम बेसहारा नहीं हो, तुम तो वो हो जिसकी कोख में ईश्वर भी आके आश्रय लेते हैं, तभी वो धरती पर आ पाते हैं। जो जगदीश्वर की आश्रय दायिनी है वो निराश्रित भला कैसे हो सकती है। जिस स्त्री की छाती का दूध पीकर भगवान भी धन्य हो जाते हैं, वो बेचारी असहाय कैसे हो सकती है। इसीलिए स्त्री के उस स्वरूप का संस्थापन करना होगा जो ईश्वर ने उसको दिया है। मेरे पास प्यार है, मैं कितना बांटूं, क्या कम हो जाएगा, क्या कम हो सकता है। आपका द्रव्य कम हो सकता है, प्यार जितना भी बांटोगे उतना भीतर से आता रहेगा। कुएं का जल निकालते रहो अंदर से और आता रहेगा, क्योंकि कुआं सागर के साथ जुड़ा है। हमारा हृदय भी तो प्रभु के साथ, परमात्मा के स्रोत अंदर से जुड़े हैं, इसीलिए अभाव कैसे हो सकता है। मैंने हमेशा एक ही बात का निवेदन किया कि प्रेम प्यार के हीरे मोती दोनों हाथ लुटाओ, जिसका पकड़ो हाथ साथियों उसका साथ निभाओ। कौन यहाँ दो बार मरा है, कौन अमर है बोलो, सच्चाई के लिए मौत से हंस के टकरा जाओ। सूरज का रथ देख रहा है साथी राह तुम्हारी, इस धरती पर नई रोशनी नया सवेरा लाओ। इतना सा है सार ज्ञान का, गांठ बांध लो इसको, बात नहीं बनती बातों से करके कुछ दिखलाओ। बात नहीं बनती बातों से, श्रेष्ठ को कहना ही नहीं, श्रेष्ठ को जीवन में उतारना, व्यवहार में उतारना। वो हमारे चित्र की आभा बने, वो हमारी व्यवहारिकता बने, वो हमारे लौकिक जीवन का सौरभ बने, यही जीवन की धन्यता है। और मैं निवेदन करना चाहती हूँ, ये जो यज्ञों के अनुष्ठान सोमा अश्वमेध यज्ञ, और इस सोमे अश्वमेध यज्ञ में जो ये जो यज्ञ हो रहा है, शिव पार्थिव शिव के निर्माण का यज्ञ, मैं सोचती हूँ कि शतक बोलते हैं ना, करते 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 करते, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल। तो पूज्य दद्दा ने सबके हृदयों में शिवत्व को स्थापित कर दिया। ये कोटि कोटि शिव दद्दा जिस नगरी में गए, वो नगरी शिव नगरी हो गई। वो नगरी पे मान सरोवर की शीतलता आ गई, उस नगरी को कैलाश जैसे उत्तुंग शिखर मिल गए, क्योंकि चिंतन की उत्तंगता मिलती है, चिंतन का शिखर मिलता है। इस अद्भुत वातावरण के अंदर निश्चित रूप से कुछ पाथे हैं जो हमें मिलते हैं सहज रूप से। दद्दा ने कहा कि बैठ के सब अपने हाथों से सेवा करो। मुझे कल पता चला कि हमारे कार सेवकों ने यहाँ बहुत बड़ी संख्या में पार्थिव शिव बनाए और उसके बाद फिर भंडारा में अपना श्रम दान किया और सब बालकों ने मिलकर 52,000 रुपए एकत्रित किए और दद्दा के चरणों में समर्पित किए। दद्दा ने उसमें से 1500 रुपए लिए और सब उन बालकों को वापस लौटा दिए कि तुम्हारा इतना ही योगदान हमें स्वीकार है, और इतना इसलिए कि तुम्हारा द्रव्य इतना ही चाहिए, पर सबसे ज्यादा जो तुमने दिया वो है अपने हाथों से सेवा करना। माथे पे पसीने की बूंदे आ जाए, शरीर थक जाए, और उसके बाद भी रुकना नहीं है, क्योंकि सेवा है यज्ञ कुंड समीधा सम हम जले। अब कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या हम बहुत करेंगे
तभी भगवान के द्वार पे हमारी जो है हमारा प्रवेश होगा। तो एक व्यक्ति गया था संयमिनी के दरवाजे, संयमिनी जानते हो धर्मराज, वो संयमिनी के स्वामी हैं, उनके यहाँ एक जना गया तो उन्होंने देखा, मुस्कुराए, बस मुस्कुरा के रह गए। इतने में एक दूसरा आदमी आया और उसके लिए धर्मराज जी ने अपना आसन छोड़ दिया, उठकर खड़े हो गए, स्वागत में हाथ जोड़ दिए। वो पहले वाला व्यक्ति कहने लगा कि वो आया तो आपने इतना स्वागत किया और मैं आया तो मुझे देख के मुस्कुरा दिए, बस अपना आसन वासन कुछ नहीं छोड़ा। आपको पता है मैं जिंदगी भर लगा रहा हूँ, कितना कार्य किया मैंने समाज का, कितना कार्य किया मैंने धर्म का, आपको पता है, पर आपने मेरा ढंग से स्वागत नहीं किया और उस अदने से आदमी को उसके लिए आपने आसन छोड़ दिया, उसने जिंदगी में कोई काम नहीं किया। तो धर्मराज मुस्कुरा के बोले, वो बोले कि भैया तूने बहुत दिए जलाए, पर तू वही दिए जला रहा था जहां पहले से बहुत दिए जले थे। इस व्यक्ति ने जिंदगी में एक दिया जलाया, पर वहां जलाया जहां अंधेरा बहुत घना था, इसलिए मुझे खड़े होकर इसका स्वागत करना पड़ा। जिंदगी में कभी कभी एक कार्य भी, कोई एक कर्म जहाँ बहुत अभाव हो, जहाँ बहुत जरूरत हो, वहाँ जाकर अपना जरा सा श्रम, अपनी जरा सी कोशिश जब हम करते हैं तो उसका बड़ा परिणाम आता है। इसलिए हम समाज के उस क्षेत्र पर दृष्टिपात ले जाते हैं कि कहाँ अभाव है, कहाँ मेरी जरूरत है, कहाँ जाकर मैं खड़ा हो जाऊँ। और फिर कभी मन होता है कि तमगे तो मिले नहीं, दुनिया ने तो जय जयकार की नहीं, कोई रतन वतन मिला नहीं, कोई अवार्ड मिला नहीं, अखबार में जरा सी जगह मैं पा नहीं सकता, तो फिर क्यों करूं? इसका मतलब करने में रस नहीं है, रस यश में है। और अगर यश में रस है तो फिर कहीं ना कहीं निराशा आएगी। और सिर्फ करना ही अगर धन्यता है, आप कर क्यों रहे हो, इसके लिए चित्त को टटोलना बहुत जरूरी है। ये करना किसके लिए है? कर तो सब रहे हैं, करना तो दिखाई दे रहा है, पर इरादे हमें हमें ही पता है। तानसेन जब गाते थे ना बंधु, इतना अद्भुत गाते थे, सम्राट डूब जाते थे उस रस में और कहते थे, तानसेन तू जैसा गाता है एक कैसा अद्भुत है अनुभव। तो तानसेन बोले, कभी आप मेरे गुरुदेव को सुन ले तो, गुरुदेव तेरे गुरुदेव भी हैं? तानसेन ने कहा, हाँ मेरे गुरुदेव हैं, हरिदास जी महाराज मेरे गुरुदेव हैं, तो फिर उनको बुलाओ ना, उनको राजभवन में बुलाओ, शाही भोज करेंगे और उनका आयोजन करेंगे, फिर उनका संगीत सुनेंगे। तो वो बोले तानसेन के, मेरे गुरुदेव तो राजभवनों में आते नहीं है, अगर आपको सुनना है तो आपको वहीं जाना होगा। वो कहाँ रहते हैं? वो तो श्री वृंदावन धाम में रहते हैं, यमुना के किनारे रहते हैं, वृक्ष वल्लरियों में छिपे रहते हैं। वो कब गाते हैं वो तो पता ही नहीं, आधी रात को कभी, 12 बजे कभी, रात के 2 बजे कभी, सुबह 3 बजे, तो फिर इंतजार करनी पड़ेगी। वृक्ष वल्लरियों में बैठ कर सम्राट प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हरिदास जी कब गाएंगे। और जब हरिदास जी ने तंबूरा उठाया तो जब उनके हृदय में से आवाज प्रभु के लिए निकली और वाणी से, संगीत से प्रस्फुटित हुई, तो समाधि लग गई सम्राट की, आंखों से आंसू बहने लगे, शरीर का शुद्ध बुद्ध रही नहीं। 1 महीने तक कुमारी चढ़ी रही सम्राट को। और एक दिन सम्राट ने कहा, तानसेन जब तक तेरे गुरुदेव को नहीं देखा था, जब तक तेरे गुरुदेव को नहीं सुना था, हमें लगता था कि तू कितना अद्भुत गाता है, और जिस दिन से उनको सुना तू तो उनके पासंग भी नहीं ठहरता। अरे कहां वो और कहां तू? तानसेन ने कहा, सम्राट आपको मेरे में और मेरे गुरुदेव में तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं हूं और मेरे गुरुदेव हैं,
मैं जब गाता हूँ तो मेरी नजरें आप पर लगी रहती हैं कि आप खुश हो जाओ तो मुझे इनाम मिलेगा, आप खुश हो जाओ तो मुझे और पद मिलेगा, आप खुश हो जाओ तो मुझे और हीरे मणियां मिलेंगी। मैं इसलिए गाता हूँ कि मुझे कुछ मिल जाए, और मेरे गुरुदेव इसलिए गाते हैं कि उन्हें कुछ मिल चुका है, और इस प्रसन्नता में, इस आनंद में गाते हैं। इसलिए उनके और मेरे में तुलना मत करिए सम्राट। तो हमारा करना कुछ पाने के लिए है, और पूज्य दद्दा जी जैसे संत पुरुषों का कुछ करना पाने के लिए नहीं, अपितु बांटने के लिए है। जगती को धर्म परायण बनाना, जगती को धर्म धारणा देना, समाज को भगवान की शरण में लाके बैठा देना, ये कुछ पाने की प्रक्रिया नहीं है, ये जो मिला हुआ है उसको बांटने का प्रवाह है। मैंने पूछा था कि दद्दा ये कब तक, ये कितना? दद्दा बोले सबकी इच्छा है कि 108 मन के पूरे होने चाहिए, तो ये तो बहती रहेगा प्रवाह। और मुझे मालूम है कि 108 होने के बाद भी दद्दा रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि दद्दा प्रवाह हैं जो हमेशा प्रवाहित होगा, और पूरे भारत को नहीं विश्व को धन्य कर रहा है। मैंने सब जगह इस खुशबू को, दद्दा के शिष्यों की खुशबू को सारे विश्व में अनुभव किया है। दद्दा तो एक नदी जैसे हैं, तुम जानते हो नदी, वो बार बार सागर को मिलती है, बार बार सागर को मिलती है। सागर कहता है मैं तो खारा हूँ, तू तो मीठी है, कब तक मुझसे आके मिलती रहेगी? नदी कहती है जब तक तू मीठा नहीं हो जाता तब तक तुमसे आके मिलती रहूंगी। कदाचित सागर को मीठा करने का यह निरंतरता, यह प्रवाह। और मैं तो देखती हूँ कि साधना निरंतरता के नाम है। कुछ संत पुरुष होते हैं जो सिद्धि के बाद भी साधना में लगे रहते हैं, ताकि समाज साधना रत रहे, ताकि समाज धर्म परायण रहे। ऐसी शुचिता, ऐसी पावनता, ऐसी पवित्रता निवेदन कर रही थी मैं। बटोरना नहीं है, बांटना नहीं, बांटना है, क्योंकि जो बटोरा जाता है वो विषाद होता है, और जो बांटा जाता है वो प्रसाद होता है। तुमने देखा बादल बांटते हैं, आसमान में छाए रहते हैं, और जो बटोरता है सागर वो गहरा खाई के अंदर है, और जो बरसाता है वो शीश के ऊपर है। कदाचित हमारी चेतना भी इस प्रवाह में, इस वातावरण के अंदर, इस अनुष्ठानमय जीवन को अपने अंदर धारण करे कि मुझे देना है। प्यार दे सकोगे, सम्मान दे सकोगे, सुविधा दे सकोगे, दूसरों के आंसू, दूसरों की पीड़ा छीन लेने का हमेशा। मुझे एक व्यक्ति मिला, बोले दीदी माँ बहुत सोचता हूँ पर देर कर देता हूँ, कई बार मुझसे गलती हो जाती है, मैं माफी मांगने में देर कर देता हूँ, और कई बार प्यार व्यक्त करना होता है मैं उसमें भी देर कर देता हूँ, पता नहीं मैं क्यों देर कर देता हूँ। तो मैंने कहा देर तो कर देते हो व्यक्त करने के से में, लेकिन दिल में उसी समय आता है ना? बोले हाँ उसी समय आ जाता है। अपनी गलती होती है तो मैं उसी समय सजग हो जाता हूँ कि मुझसे गलती हो गई। प्यार हृदय में आता है, मैं अंदर से धन्य हो जाता हूं कि मेरा हृदय प्रीत से भर गया। हाँ व्यक्त करने में देर लगाते हो, कोई बात नहीं, कभी कभी प्रेम और प्रीत को शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती, आपकी आंखें बता देती हैं, आपका भाव बता देता है। अभी मैं देख रही थी कि पूज्य दद्दा अंदर बैठे थे, और दरवाजे के बाहर उनके भक्तों की श्रृंखला अपने गुरुदेव की एक झलक पाने के लिए। कदाचित भीतर जाने का भले ही मौका ना मिले, पर आपके प्रणाम दद्दा तक पहुंच ही जाते हैं, क्योंकि आप हृदय से उनके साथ जुड़े हो। वो हमें देखें ना देखें, पर हमारी नजरों में
हमारे गुरुदेव है, हमारी आंखों में हमारे गुरुदेव है। मन मन मंदिर में पाला था वो मैंने प्रेम प्रदीप अनोखा, जिसे बुझाने में अक्षम था निष्ठुर झंझा का भी झोंका। तब छवि देखी और भी मोहित, अधर न यदि हिल पाए मेरे तो कैसे कह दूं इन प्राणों में प्रिय तेरा गुणगान नहीं था। यदि मेरे नन्हे हाथों में पूजन का सामान नहीं था तो कैसे कह दूं इन प्राणों में अर्चन का अरमान नहीं था। मेरी आंखों के निर्जर ने तुझ पर अपना जीवन बारा, मेरे हृदय की आहों ने तुझको सौ सौ बार पुकारा, फिर भी तुझे रिझाना पाया इन प्राणों का मूक समर्पण। पाषाणों में रहने वाले प्रिय तू तो पाषाण नहीं था, वो प्रतिमा पाषाण की प्रतिमा में भी है लेकिन पाषाण नहीं है, वो हमारे हृदय के स्पंदन को अनुभव करता है। इसलिए रोम में पवित्रता, हृदय में प्रीत, आंखों में सेवा, चरणों में चलने का प्रवाह, यही होता है एक साधक का जीवन जो संत से प्रेरणा पाके हम पाते हैं। मेरा आप सबसे अनुरोध है, भारत की भूमि पर जन्म लेने का क्या सौभाग्य होता है। हमेशा सोचते थे कि लोग कहते रहते हैं हमारा देश बहुत महान है, यहाँ की मिट्टी बड़ी पवित्र है, तो सारी दुनिया में घूम घूम के देखा, बड़े जलाशय हैं संसार में, बड़ी सुंदर सुंदर धरतियों पे हरी तिमाएं छाई हैं, बड़े बड़े जलाशय हैं, लेकिन भारत ही क्यों श्रेष्ठ। और फिर जब मुझे मेरे सदगुरु देव मिले, युग पुरुष श्री स्वामी परमानंद गिरी जी महाराज, मैं संतों का दर्शन करती रही। मैंने जब एक गृहस्थ संत पूज्य दद्दा जी को देखा, फिर मैं समझ गई कि भारत अपनी भूमि से ही महान नहीं, दद्दा जी जैसे संतों की भूमिका की वजह से महानता के शिखरों को पाता है। जब ऐसे संत, जब सबके हृदयों में वासना के प्रवाह को अवरुद्ध करके उसमें प्रार्थना का प्रवाह पैदा कर दें, ऐसे संतों की ही भूमिका ने भारत की धरती को महानता की संज्ञा दे दी है। वो भाव चित्त में क्यों नहीं आता? बहुत बार ऐसा लगता है कि गैरिक वस्त्रधारी ही साधु होते हैं। मैंने निवेदन किया कि सब पुतले हैं हाड़ मांस के, अंतर्निहित भाव होता है उज्जवल, कुछ आलोकित रवि से, कुछ में कुछ दुराव होता है, कोई दस्तावेज नहीं है इसको परिभाषित करने में। संत व्यक्ति या वस्त्र नहीं है, वो तो बस स्वभाव होता है। स्वभाव में साधुता, स्वभाव में सजगता, स्वभाव में सरलता, स्वभाव में निर्मलता, स्वभाव में निष्कामता, स्वभाव में निर्दोषता, ऐसे ही पवित्र स्वभाव दद्दा का स्वभाव है। पूज्य दद्दा के इस पावन प्रवाह में, इस नगरी में आप सबके बीच में आकर मैं धन्य हुई हूँ, कृतार्थ हुई हूँ। आप सबसे इस बात का निवेदन कर रही हूँ, दद्दा से भी मैंने निवेदन किया कि पूज्य दद्दा एक बार ये अनुष्ठान वृंदावन वात्सल्य ग्राम की धरती पर होना चाहिए, जहाँ नन्नी बच्चियाँ बहनें वृद्धाएँ जो अपनी जड़ों से टूटे, अपने परिवार के वृक्ष से टूटे, उन द्वारा उनको एक वात्सल्य की भूमि पर रोपने का कोशिश की गई है। वहाँ जो भूले भटके इधर उधर, जिनका अपना कोई नहीं, वो मिलकर एक परिवार बन जाएं। माँ है, मौसी है, नानी है, बेटे हैं, बेटियाँ हैं, जिंदगी का उद्देश्य है और भावनात्मक आधार है, एक दूसरे को संभालने की कोशिश है। मैं बता रही थी, पता नहीं उस समय तक वो एक बच्ची, एक संपन्न परिवार, वो बच्ची को उसके माँ पिता लेकर आए वहाँ। मैं बहुत हैरान हो गई क्योंकि वात्सल्य ग्राम में एक पालना लगा हुआ है जहाँ लोग बच्चियों को छोड़ देते हैं, वो तीसरी चौथी बच्ची होती है, क्यों छोड़ा जाता है पता नहीं। वो पत्ते की तरह कांप रही थी, माँ पिता छोड़ने आए।
मैंने कहा कि तुम क्यों आए और तुम क्यों छोड़ रहे हो अपनी 15 दिन की छोटी सी बच्ची। उन्होंने कहा, दीदी माँ, हमारे माँ बाप ने कहा ये तुम्हारी चौथी बेटी है, या तो इसका गला दबा दो या हमारा घर छोड़ के चले जाओ। हम इतने कायर निकले कि हम अपने माँ पिता का घर नहीं छोड़ पाए, और हम इतने मोही हैं दीदी माँ, अपनी बच्ची का गला भी नहीं दबा पाए। सोचा दीदी माँ के पास छोड़ाते हैं, जीवन तो बचेगा। मैं आश्चर्य में डूब गई, इतनी फूल सी वो बच्ची, उसको ढंग से दूध भी नहीं पिलाने दिया था। 6 महीने पहले मेरे पास एक ऐसी बहन आई जो बांग्लादेश से, वो बंगाल की थी, कलकत्ता की, और वो नौकरी करने गुड़गांव आई और किसी के प्यार में पड़ गई। और प्यार की कीमत ये होती है कि मायका छूट जाता है। वो विवाह करके गई उधर पहाड़ पे, 5-7 साल उसके थे शादी के, वैवाहिक जीवन के, उसको बच्चा नहीं हुआ, एक बच्चा हुआ, उसकी मृत्यु हो गई। 7-8 साल में उस बहन का जीवन दूभर हो गया। इतनी उसको यातनाएं दी गई, इतनी यातनाएं, उसने 2 बार नींद की गोलियां खा के मरने की कोशिश की, लेकिन जब मौत नहीं आनी होती ना, वो भी दूर खड़ के तमाशा देखती है। इसने एक दिन मुझे टीवी में देख लिया, अरे इसने सोचा तभी तो मौत नहीं आ रही, मेरी जीवन का कोई उद्देश्य होगा, और वो वहाँ से मेरे पास आ गई। 6 महीने से वो कभी कहीं सेवा कर रही, कभी कहीं सेवा कर रही। फिर जब ये बच्ची आई ना 15 दिन की, ये बच्ची मैंने उसकी गोद में कि तुम इसकी देख रेख करो, ऐसा अद्भुत संगम हुआ वहाँ। उस महिला के सारे दुख दर्द विदा हो गए, क्योंकि अब गोद में वो है जिसके लिए लोरियां गाएगी, जिसके लिए रातों को जागेगी। आज बोलना सीखा है, आज चलना सीखा है, आज बैठ गई है। ये देखने वाला भी तो जिंदगी में कोई होना चाहिए, और वो माँ के सिवा और कौन हो सकता है। ये उसकी यशोदा माँ हो गई और वो इसकी बेटी हो गई, जो 2 अधूरे थे दोनों का मिलन वात्सल्य ग्राम में हो गया। ये एक यज्ञ है जो वहाँ चल रहा है, जो अधूरे हैं वो एक दूसरे के हो जाएं, क्योंकि जब तक जीवन में अपनापन नहीं मिलता ना, तो जिंदगी अधूरी लगती है। मुझे लगा ना नारी निकेतनों की, ना बाल आश्रमों की, और ना वृद्धाश्रमों की जरूरत है। एक दूसरे को नेह देना, स्नेह देना, प्यार देना, जो कोख से पैदा नहीं किए जाते ना, भारत की स्त्री में दम है कि वो परायों की भी माँ हो सकती है। वो गूंगे का खाया गुड़ जैसी होती है, जिसे अनुभव तो किया जा सकता है पर वाणी से व्यक्त नहीं किया जा सकता। माँ की कीमत क्या होती है उनसे पूछो जिनकी माँ छिन गई है। इसलिए मुझे लगा किसी को कुछ भी दे दो, पर छोटे से बचपन को अगर माँ मिल जाए तो उसे और कुछ नहीं चाहिए। मैं बहुत साल पहले गुजरात गई थी, एक फुटपाथ पे बैठी थी देवी, सब्जी बेचती थी, साल भर पहले विधवा हो गई थी, उसके पास 2-3 साल का बच्चा था। कैसे उसको पाल रही है, मजदूरी करके, बच्चा आस पास मंडराता रहता था। एक सामने कोठी में सेठ रहता था, वो बार बार उसको आके कहता था, ये तू कैसे पालेगी, तू बिगाड़ देगी इसको, ये गुड्डा मवाली बन जाएगा, तू तो रोटी भी नहीं खिला सकती, तू इसको मुझे दे दे। बार बार, देख मैं इसको पढ़ाऊंगा, बड़ा करूंगा, मेरी संपत्ति का मालिक बनेगा। वो चाहती नहीं थी अपने कलेजे का टुकड़ा अपने से अलग करना, लेकिन जब बार बार प्रस्ताव आया, तब उसने अपना बच्चा, ये सोच के कि मेरे बच्चे की जिंदगी बन जाएगी, उस सेठ को बच्चा दे दिया। सेठ ने अपने कमरे को सजाया, बड़े बड़े लेकर आया, खिलौने वस्तुएं भर दिया उसका कमरा। बच्चा 1-1.5 घंटा तो खेलता रहा, और फिर जब उसको माँ की याद आई तो उसने रोना प्रारंभ किया। बहुत कोशिशें की, बच्चा
चुप नहीं हुआ। फिर दो तीन दिन रहा होगा, छज्जे से उस बच्चे ने दूर फुटपाथ पे बैठी अपनी माँ को सब्जी बेचते देख लिया। वो इतना अधीर हुआ बालक, वो छज्जे से ही कूद गया अपनी माँ के लिए। चोट लग गई, टांगे दोनों टूट गई उसकी। माँ दौड़ के आई, उठा के कलेजे से लगा लिया अपने बच्चे को। कदाचित मैं निवेदन करना चाहती हूँ, कोई फुटपाथ पे भी क्यों ना हो, अगर वो अपनी माँ के आलिंगन में है तो सर्वाधिक सुरक्षा में है वो। और कोई राजभवनों में क्यों ना हो, अगर उसके पास माँ नहीं है तो उससे बढ़कर कोई दरिद्र हो नहीं सकता। लेकिन बात तो वही है, मेरा हिंदुस्तान वृद्धाश्रम खोल रहा है, क्यों? अपने बुजुर्ग बोझ लगते हैं। मैं कथा करने आई थी इधर, तो मुझे किसी ने कहा दीदी माँ वृद्धाश्रम चलो, तो मैं वहाँ गई तो एक बुजुर्ग मुझे मिली, बोले दीदी माँ मेरा पति की लाश रखी रही, सारे लोग आए, चार मेरे पुत्र जिनको मैंने जना वो अपने पिता को कंधा देने नहीं आए। दिल में बहुत दर्द है दीदी माँ। मैंने कहा श्याम सुंदर को अपना बालक मानो, ये जगत के रिश्ते बहुत खोखले होते हैं, इन रिश्तों ने जहर ही घोला, साथ रहे पर दिल ना खोला, सदा झूठ का लिया सहारा लेकिन सच का पहन के चोला, इसलिए रिश्ता जोड़ो तो श्याम सुंदर से जोड़ो, भगवान से अपने रिश्ते को जोड़ो, संबंधित हो जाओ उनके साथ। कबीर ने जोड़ा था ना रिश्ता, तो वो बोली वो क्या कहते थे भगवान को? मैंने कहा वो कहते थे भगवान मेरा यार है, भगवान मेरा दोस्त है, भगवान मेरे मित्र हैं। अब कितनी विपरीत दिशा, वैश्या का राजभवन, उसमें वो नाचती है गाती है, और इधर वो महात्मा की झोंपड़ी, उसमें वो राम नाम की धुन लगाते हैं। कितनी विपरीत दिशाएं हैं। उसको लगता है मैं नाचती गाती हूँ और ये बाबा जी हैं रामचरितमानस की चौपाइयाँ गाते हैं तो हमारे यहाँ बाधा बनती है। लेकिन वो बाबा जी को कोई बाधा नहीं, वो नाचती गाती थी तो उनके घुंघरुओं की आवाज़ में भी वो अपने भगवान की आवाज़ सुना करते थे। कितनी विपरीत दिशाएं, लेकिन कैसे चित्त के अंदर वहाँ अशांति और यहाँ शांति। तो वैश्या के यारों ने महात्मा के झोंपड़े पे आग लगा दी, धू धू करके झोंपड़ा जला, तो महात्मा बैठे हैं ध्यान मग्न। वो बाद में क्या हुआ कि हवा का रुख बदल गया, क्योंकि वैश्या के यारों ने अपना काम कर दिया, अब तो इनके यार की बारी है, और इनके यार का रुख बदल गया, हवा का रुख बदल गया, झोंपड़ी से आग बुझ गई और जाके उस आग ने वैश्या के घर को पकड़ लिया। वो धू धू करके जलने लगा घर, तो ये दौड़ी आई, भागी आई, अरे महात्मा देखो मेरा घर जल रहा है, आपके घर की आग बुझ गई, देखो आंखें खोलो, कृपा करो मुझे बचा लो। तो वो कहने लगे आंखें खोल के, रोती क्यों हो देवी, ये तेरी और मेरी लड़ाई नहीं है, ये तो तेरे यार और मेरे यार की लड़ाई है, देखना ये है कि सहारा जिसका जोरदार होता है वही इस जगत में वशर करते हैं, धन्यता उनको मिलती है जो धर्म से चित्त जोड़ लेते हैं, धन्यता उनको मिलती है जो करुणा को अपना अपनी पूंजी बना लेते हैं, प्रेम को अपनी संपदा बना लेते हैं। पूज्य दद्दा की सनिधि है, मैं आप सबसे निवेदन करना चाहती हूँ यज्ञों के इस पावन अवसर पर, अनुष्ठान पर, जब शिव हमारे भीतर, शिव हमारे हाथों में, शिव हमारे चिंतन में, और शिव स्वरूप दद्दा जी हमारे सम्मुख हों, तो भला फिर कैलाश यहाँ नहीं होंगे तो कहाँ होंगे? ये शिव नगरी नहीं तो और कहाँ पाएंगे हम शिव नगरी? इस अद्भुत वातावरण में मैं आके धन्य हुई हूँ। आप सबके तप निष्ठा को वंदन करती हुई निवेदन करना चाहती हूँ कि किंचित मात्र भी, किंचित मात्र थोड़ा सा, इतना सा जो पूज्य दद्दा से आप पाते हो ना प्यार, उसको बांटिएगा जरूर, क्योंकि आपने जो पाया है ना वो बहुत है, अतुलनीय है, अनमोल है,
मोल तोल हो नहीं सकता, भाव भी नहीं लगाया जा सकता। इसलिए अगर एक सक्षम ने एक अक्षम को संभाल लिया तो भारत में कोई बेचारा नहीं रह जाएगा, कोई अकेला नहीं रह जाएगा और कोई असहाय नहीं रह जाएगा। एक सक्षम एक अक्षम को संभाले, ये हमारा व्यवहारिक पक्ष है। अध्यात्म संपदा तो आपको दद्दा ने दी है, उसके बारे में तो मुझे कुछ कहना ही सुनना नहीं है। आप सबके बीच में आके मैं धन्य हुई हूँ। पूज्य दद्दा को बार बार वंदन करती हूँ और वृंदावन वात्सल्य ग्राम आने का निमंत्रण देती हूँ, जरूर आइएगा। वहाँ भी एक अनुष्ठान होना चाहिए जिसमें हम लोग तन्मयता से आनंदित होंगे और दद्दा की सन्निधि का सुख पाएंगे। इतना ही निवेदन करती हुई, आपने मुझे धैर्य से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हुई अपनी वाणी को विराम देती हूँ। चलिए, से कहीं ना कहीं दद्दा से अगर थोड़ी बहुत दूरी है तो आपकी इस वाणी से एक सामीप्यता दद्दा के बीच, हम सबके बीच, भक्तों के बीच आएगी। हम सब दद्दा शिष्य मंडल भारतवर्ष, पछतारिया परिवार, वृंदावन गार्डन, परम पूज दीदी के श्री चरणों में सादर नमन, वंदन और अभिनंदन करते हैं। आशुतोष भैया मंच पर हैं साल श्रीफल लेकर, और दद्दा ने हमेशा एक बेटी के रूप में दीदी को माना है, आज एक पिता सम्मान कर रहे हैं। बहुत गौरव की बात हुआ करती है किसी मंच पर, और हम सभी गौरवान्वित हैं, धन धन है कि हमारे बीच दीदी पधारी और इतना समय हम सबके बीच में दिया। परम पूज्य दद्दा के श्री चरणों में सादर नमन करते हैं कि उन्होंने भी हम सब के बीच यहाँ पहुंचकर और हम सबको अपने धर्म लाभ से लाभान्वित किया। और यहाँ से दीदी प्रस्थान कर रही हैं। हो सवेरिया सवेरिया रे, हो दिल हम लगा बैठे, सवेरिया सवेरिया रे, दिल हम लगा बैठे। तुमसे मुलाकात की चाहत थी, तुमसे मुलाकात की, ओ हो चाहत थी तुमसे मुलाकात की, चाहत थी तुमसे मुलाकात की। सुने बाके बिहारी रे, ओ दिल हम लगा बैठे, सवरिया सवरिया रे, सवरिया दिल हम लगा बैठे।
कभी ना कभी तो दीदार होगा, कभी ना कभी तो दीदार होगा, ओ कभी ना कभी तो दीदार होगा, ओ कभी ना कभी तो दीदार होगा। रहेंगे इसी आस में बिहारी दिल हम लगा बैठे, सवरिया सवरिया रे दिल हमें लगा बैठे, हो 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 सवरिया सवरिया रे हो दिल हम लगा बैठे, सवरिया सवरिया रे
हमने क्या क्या किया है, तुम्हारे लिए हमने क्या क्या किया है, ओ तुम्हारे लिए हमने क्या क्या किया है, तुम्हारे लिए हमने क्या क्या किया है, खुद को मिटा डाला बिहारी दिल हम लगा बैठे, सवरिया सवरिया रे हो दिल हम लगा बैठे, अब तुम्हें देखने की हसरत नहीं, अब तुम्हें देखने की ओ हसरत रत 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 नहीं, अब तुम्हें देखने की हसरत नहीं, अब तुम्हें देख क्योंकि दिल में छुपा बैठे बिहारी दिल हम लगा बैठे, सवरिया रे दिल हमें लगा बैठे, हो 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 सवरिया सवरिया रे हो दिल हम लगा बैठे, सवरिया सवरिया रे हो दिल हम लगा बैठे, दिल हमें मिला के सांवरे हमको रुला दिया, बुला के वृंदावन में तुमने भुला दिया, नजर मिला के सांवरे हमको बुला दिया, नजर मिला के सांवरे हमको रुला दिया, नजर मिला के सांवरे Thank you.
एक झलके की प्यास है, कब बुझाओगे? एक झलके की प्यास है, कब बुझाओगे? इसके लिए तुमने हमसे क्या क्या करा लिया? नजर जर जर मिला के साबरे हमको रुला दिया, नजर मिला के साबरे हमको रुला दिया। तेरा ही नूर फैला हुआ सारे जहान में, तेरा ही नूर फैला हुआ सारे जहान में। दुनिया को तूने रहमतों का दरिया बहा दिया, हमको रुला दिया। जल मिला के सावरे हमको रुला दिया। बुला के वृंदावन में तुमने भुला दिया, जर जर मिला के सावरे तो रुला दिया। जल मिला के सावरे हमको रुला दिया। तेरी हर बेरुखी पे हम चुपचाप ही रहे, तेरी हर बेरुखी पे हम चुपचाप ही रहे। चित चोर कहते हैं तुझे, तूने ये दिल चुरा लिया। साबरे हमको रुला दिया, जल मिला के साबरे हमको रुला दिया। बुला के वृंदावन
के साबुरे हमको रुला दिया। नजर मिला के साबुरे हमको रुला करता हूं कि आप अपना सुभाषण लेते हुए भगवान पार्थवेश्वर का महाभिषेक करें। बोलिए शंकर भगवान की जय। नारायण नमस्कृत नरम जय नरोत्तम महानुभाव से निवेदन है आपको जैसा यहाँ से निर्देश प्रदान किया जाए उसी क्रम में आप पूजन क्रिया में सम्मिलित हों। सर्वप्रथम पुष्प या बिलपत्र के माध्यम से जल लेते हुए आचमन करें, हाथ धो लें, तदुपरांत जल को लेकर के अपने शरीर पर पूजन सामग्री पर सिंचन करेंगे। ओम के पुनः
हाथ में चावल पुष्प ले लीजिए। शांति पाठ हो रहा है, आप अपने मन को एकाग्र शांत करते हुए भगवान पार्थिव के पूजन में संलग्न होंगे। ओम देव हो शांति रंजन जगों शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रोगदयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगों शांति शांति रेव शांति सामा शांति रे यतो यतः समेहदे ततो नो अभयं गुरु शरणः गुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः शान्ते शान्ते सुशान्तिर्भवतु। चावल हाथ में जो लिए थे वही कोपर में छोड़ दीजिए और पुनः दूबा पुष्प बेलपत्र इत्यादि लेकर गणेश जी का अंबिका जी का ध्यान करते हुए यथोपचार संक्षिप्त पंचोपचार पूजन भी करेंगे। ओम गणानंदवा गणपति गं हवामहे प्रियानंदवा प्रियपति गं हवामहे निधिनंदवा निधिपति गं हवामहे पशो मम आहम जानि गर्भधामा तम जाचि गर्भधामा। ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमः नयति कश्चन शशतजुगः सुभद्रिका गम्भीरवासिने मा। ओम त्रिभुवः श्वः श्री गणेशाम्बिकाभ्याम नमः। ध्यानार्थे आवाहनार्थे आसनार्थे पूजनार्थे जलगंधक्षतपुष्पं समर्पयामि। चंदन चावल इत्यादि भगवान को समर्पित कर दीजिए। पुनः हाथ में पुष्प लेकर के दूबा लेकर के गणेश जी की अंबिका जी की प्रार्थना करें। ओम गजाननम भूत गणाधि देवतो कमले तजम्बो फल चारु भक्षणम उमासुतम विघ्न विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। ओम त्रिभुवः श्वः श्री गणेशाम्बिकाभ्याम नमः। विशेष प्रार्थनार्थ अक्षता समर्पयामि। बोलिए गणेश भगवान की जय। गणेश अम्बिका पूजन के उपरांत में पार्थिव पूजन के लिए संलग्न हो, दोनों हाथों से सभी मूर्तियों का स्पर्श करते हुए उनमें प्राणों का आवाहन करें, स्थापना करें, आसन के निमित्त में बेलपत्र भी रख दें। ओम मनोजोदरजोगदामाजस्यमहत्पदयंगमिमंदरोद्वरजन्यगगुंशमिमंदधातो विश्वे देवाजयमादयन्तामो प्रतिष्ठो। भगवते पार्थिवेश्वराय नमः। प्राण प्रतिष्ठापयामि तदुपरांते ध्यानार्थे यक्षतान गृहीत्वा ध्यानं कुर्यात्।